Mantis. Police. Well, that's all. कौन है तुम लोग? क्या क्या हो रहा है? गोपीचंद जासूस। मनोरंजन में हवलदार का रोल किया था, बहुत अच्छा किया था आपने। चोर मचा शोर में भी हवलदार थे आप। दुश्मन में आपका रोल बहुत अच्छा था दादा। बहुत अच्छा था। आपकी यहाँ शूटिंग चल रही क्या? कपड़े भाड़े के हैं क्या? अरे ये तो असली है। लगता है तुम लोग बहुत फिल्म देखते हो। इतनी रात का यहाँ क्या हो रहा? वो जी इंतजार करने वाले हैं हमको लेने के लिए, उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, मैं भी रुक जाऊँ देखने के लिए कौन आ रही है। काय को कबाब में हड्डी बन रहे हो? ए हीरो, अपनी फिल्म कंपनी जल्दी से यहाँ से हटाओ, वरना दफा 110 में अंदर करवा दूंगा। नहीं और अंदर। हाँ बाप रे, बच गया आज। अरे ठहरा भी गया नहीं वो। हाँ गया गया, चल जल्दी कर। सब ठीक हो जाएगा रत्ना, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि सरिता मुझे कभी अपना बाप नहीं मानेगी। मेरी जान उसका बाप भी मानेगा, समझे? अरे ठहरो, कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। क्या देख रही हूँ सरिता? जी कुछ भी नहीं। अरे तुम इस कदर डरी हुई क्यों हो? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या छुपा कर लाई हूँ? जी मुझे क्या पता। ये तुम्हारा नया बाप। मैं देखना चाहती हूँ सरिता कि तुम इस इंसान के साथ बेटी जैसा बताओ करती हो। आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? माँ हूँ तुम्हारी सरिता, आज से तुम उसकी जगह इसको दे दो, यह हमारा हुक्म है। आप कहें, मैं आपके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, आपके हुक्म पर अपने आप को खत्म कर सकती हूँ, मगर उस तस्वीर की जगह इस तस्वीर को दे दूँ, यह मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों तस्वीरें ही तो हैं। मम्मी, एक के साथ पलकर मैं बड़ी हुई हूँ, दूसरी आ जाई है, बदलना मेरे लिए नामुमकिन है, और जिस इंसान का खून मेरी रगों में है उसकी जगह मैं दूसरे को कैसे दे दूँ? तुम्हारे रगों में किसका खून है? ये तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है सरिता। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो क्या हुआ? कोई भी माँ किसी बच्चे को बिना बाप के जन्म नहीं दे सकती। बिना बाप के जन्म नहीं दे सकती, ये सही है, लेकिन बाप कौन है इस बात पर डिस्प्यूट हो सकता है। आप क्या कहना चाहती हैं? सोचा था ये राज जिंदगी भर तुमसे छुपा कर रखूंगी। There you are, darling. फिर मैं जा रहा हूं और 3 दिन सिंगापुर, 4 दिन हांगकांग और 7 दिन टोक्यो में रहूंगा, 15 दिन में लौट आऊंगा। जी। So look after yourself, darling. You too. Bye. Bye. Bye, honey. शाम, तुम्हारा टेलीग्राम मिलते ही मैं 6 दिन की छुट्टी लेकर चला आया। कहाँ गए हैं वो? जापान। सोच रही हूँ तुम्हें बुलाकर मैंने अच्छा नहीं किया। क्यों? उनके ना होने पर तुम्हारा होना जहाँ मन को शांति देता है वही आग भी तो लगाता है। मैं क्या करूँ शाम, मैं क्या करूँ? सरिता,
ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये तुम्हारा बाप है। सरिता, इन तस्वीरों को गौर से देखो, देखो सरिता, कि तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है। आपके लिए कोई देकर गया है। राज, मुझे लगता है कुछ होने वाला है, शायद मर्डर ही हो जाए। आज मैंने तुम्हारे डैडी को इतनी सुनाई कि बुढ़ा जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये झूठ मैं उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बोली। मैं चाहती हूँ वो मुझसे शादी कर लें, मगर मैं जानती हूँ वो नहीं करेंगे। तुम घबराना मत, दुनिया चाहे जो भी समझे, मगर तुम जानते हो मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। मेरी नीयत भले ही हजार बार खराब हुई हो, मेरा दिल भले ही लाख बार तुम्हें बाहों में लेने के लिए मचला हो, मगर मैंने ऐसा किया तो नहीं ना। और इस दुनिया में अच्छी या बुरी वही बात होती है जो की जाती है, जो सोची जाती है मगर की नहीं जाती, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरा रिश्ता आज भी तुमसे माँ बेटे जैसा है, रीना। राज, यहाँ अरुणा जी, आप बोल। हाँ, मैं देख भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना कि एक अंधी और एक गूंगी कैसे देख सकती है, कैसे बोल सकती है। ये देखो, जानते हो क्या हुआ था? हाँ जानता हूँ, मेरे डैडी ने आप पर तेजाब फिकवाया था ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे अपने डैडी के बारे में बहुत सी बातें मालूम हैं। उस वक्त मैं पेट से थी, तुम्हारे डैडी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जौहर साहब को मेरे पास भेज दिया। जौहर साहब ने एक शरीफ आदमी का ढोंग रचाकर मुझसे शादी कर ली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई राज। मेरी डिलीवरी के वक्त जब मैंने सुना कि मेरे पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं
I'm sorry, Mr. Johar. मुझे लगता है जब से आपकी बीवी ने ये सुना है कि उसके पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, वो देखने की और बोलने की शक्ति खो बैठी है। नहीं नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। होना तो नहीं चाहिए मिस्टर जौहर, लेकिन सदमे से हो भी सकता है। मैंने डॉक्टर के इस शक का फायदा उठाया। मैंने फैसला कर लिया कि सारी उम्र अंधी और गूंगी बनकर गुजार दूंगी, मगर आज आज क्या हुआ, आज क्या हुआ अरुणा जी? आज जिन हालात में मुझ पे तेजाब फिकवाया गया था, तुम्हारी डैडी की जिंदगी में शायद रीना को लेकर फिर वही हालात आ खड़े हुए, और उन्होंने रीना को क्या किया है? उन्होंने रीना को शायद मरवा डाला है। क्या? हाँ। अगर ये सच है अरुणा जी, तो मेरे डैडी के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। राज जी, मुझे एक शक है। कहिए। मेरे पेट से बच्चा शायद मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। मेरा इंतजार करना अरुणा जी, मैं लौट कर आऊंगा और आपका यह शक जरूर दूर करूंगा। राज़